लास्ट हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये रहा है ना, ये वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम अच्छी खासी थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है। एक क्वेश्चन है अपने पास, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का। क्या कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन है f, है ना, वो डिफाइंड है एक क्लोज इंटरवल, क्लोज अंतराल a से b के अंदर, ठीक है, ये डिफाइन है। और ये क्या कर रहा है कि आपको सिर्फ देखना, जब फंक्शन इसने दिया है मुझे f x बराबर, इसे लिखा है k, ये लिख के दिया है एफ एक्स बराबर में के लिख के दिया ना, के का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कोई अचर फलन होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो के है वो आपका क्या है, अचर है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है ना, टू प्रूव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूव, टू प्रूव, है ना, क्या प्रूव करेंगे, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ऐसा लिखा हुआ है। एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब ये होता है कि जो ये एफ है वो रीमान समाकलन है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ करना है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसमें करेंगे क्या, अपन वही चीज करेंगे जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या करते आ रहे हैं कि अपन ने लिया ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, और इसको किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या चीज है, ये मैंने लिखा है लोअर रिमान, मैं लिख रहा हूँ एल आर आई, लोअर रिमान इंटीग्रल, और ये हो जाएगा अपर रिमान इंटीग्रल, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना। और फंक्शन आपका कौन सा हो गया, एफ एक्स बराबर में के, तो वही पुरानी रामायण फिर से शुरू होगी। क्या शुरू होगी कि अपने को एक पहले तो पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है, अपन एक पार्टीशन किया तो एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये अपन ने एक लाइन खींच दी। अच्छा, लाइन खींचने के बाद ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया ए, और ये लास्ट पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा, जिसको मैंने बोल दिया बी, ठीक है। ए और बी अपने पास से दोनों हो गए, ठीक है। अब आगे ए और बी तो हो गए, अब क्या करें, अब अपन ने कहा था कि सब ये जो है अपने पास वो है एक्स नोड कहलाएगा, और इसको अपन कहेंगे क्या, एक्स एन कहेंगे, क्लियर। इसको अपन ने क्या कहा, एक्स एन कहा, तो अपन ने एक्स एन का। अब करना क्या, अपन को इसके टुकड़े करने हैं, है ना, टुकड़े करेंगे तो आपको पता है टुकड़े कैसे होते हैं, इसके इक्वल एन पार्ट करने हैं आपको। अब इक्वल एन पार्ट करेंगे अपन, तो इक्वल एन पार्ट कैसे होंगे, देखो यहाँ पर टुकड़े आप करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप चलेगा। कि आपको ध्यान के रखना है कि आप इसके इक्वल एन पार्ट करोगे, यहाँ पर कहीं पर एक अंतराल अपना चलेगा, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर कहीं पर अपने को चलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, एक्स आर माइनस वन मिलेगा, और एक अपन को मिल जाएगा एक्स आर मिल जाएगा, इतना ही काम अपने पास रहेगा, ठीक है। आपने इसके एन पार्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स नोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक्स वन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्स टू मिलेगा, यहाँ पर एक्स थ्री मिलेगा, ऐसे करते करते आपको यहाँ पर एक्स आर मिलेगा, और ये आगे बढ़ाओगे तो आपको बी मिल जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या होता रहा है, ये फंक्शन जो है आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई ये मैं दो लाइनें खींच देता हूँ, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर में के, मतलब एफ एक्स बराबर में के रहेगा, और एफ एक्स बराबर में के क्या होता है सबको पता है, मतलब वाई की वैल्यू के फिक्स है ना, तो ये पूरा फंक्शन ही आपका ऐसे चलेगा, ये मैंने लाइन खींच दी, ये ठीक है, ये आपके पास एफ एक्स बराबर में के है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो आपको बात किससे करनी है, साहब यहाँ पर कहीं पर ए होगा, ये लो आपका ए, है ना, यहाँ पर कहीं पर आपका ए होगा, यहाँ पर कहीं पर बी होगा। अब देखो इस ए से लेकर के बी तक के बीच में फंक्शन की वैल्यू देखो, आप ए से लेकर के बी के बीच में फंक्शन की ए की वैल्यू, उसका नाम क्या है, के, ठीक है। मतलब मैं स्मॉल एम आर की बात कर लूँ चाहे कैपिटल एम आर की बात कर लूँ, और दोनों का ही वैल्यू क्या आने वाला है, के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ कहीं कम या ज्यादा कहीं हुआ ही नहीं, है ना,
तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो स्मॉल एम आर है ना, स्मॉल एम आर है उसकी वैल्यू भी के है और कैपिटल एम आर की वैल्यू भी क्या है आपके पास के। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन वही बात करते हैं, यूएफपी एलएफपी निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूएफपी निकालता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर काम किया यूएफपी के लिए, यू एफ पी, ठीक है। यूपी में क्या हो जाएगा, सिग्मा लगाते हो आप, आर इक्वल टू वन से एन तक, आर इक्वल टू वन से लेकर आप एन तक आप सिग्मा लगाएंगे। अच्छा, सिग्मा लगाने के बाद फॉर्मूला क्या था आपका, कैपिटल एम आर और डेल आर, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। आपने अभी निकाला कैपिटल एम आर क्या है आपका, ठीक है। कैपिटल एम आर अभी अपने लिखा है, क्या लिखा भैया, कैपिटल एम आर अपने लिखा है के लिखा, ठीक है। डेल आर लेंथ ऑफ द इंटरवल, अंतराल की जो लंबाई अभी अपने निकाली निकाली नहीं है अभी, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे डेल आर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्लियर हो जाएगा, अभी आपने लेंथ नहीं निकाली तो आप कैसे निकालोगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, के आपने बाहर लिख दिया, ये लो कॉन्स्टेंट है। देखो सिग्मा किसके ऊपर लगेगा, आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक लगेगा, ठीक है। अच्छा बाई चांस मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, देखो पूरा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। कई बार फटाफट अपन निपटा देते हैं, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा और पूरा खोल के देखते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। डेल आर सिग्मा लगा हुआ है, डेल आर लगा हुआ, मतलब आर की जगह आप 1 2 3 4 5 6 यही तो लिखोगे, ठीक है। तो आपको आर की जगह क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लिखना है, तो मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री, करते 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 कहाँ तक आएगा, डेल एन तक आएगा। अच्छा डेल वन का मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। डेल वन का मतलब होता क्या है, डेल वन का मतलब पहले अंतराल की लंबाई, पहले इंटरवल, ये पहला इंटरवल हो गया यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप क्या लिखते हो, एक्स वन माइनस ए, यही होगा ना, एक्स वन माइनस ए। अच्छा फिर डेल टू, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये डेल वन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, डेल टू है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो डेल थ्री है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डेल आर है, आपको पता हो गया होगा ये आर वन इंटरवल है ना। और फिर लास्ट और ये इससे पहले वाला आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक्स एन माइनस वन कर देता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप बोल दोगे डेल एन बोल दोगे, ठीक है। ये सब अपने लेंथ ऑफ द इंटरवल आपने लिख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। पहले अंतराल की जब लेंथ कह रहे हैं तो पहला इंटरवल आपको देखना पड़ेगा एक्स वन माइनस ए, दूसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, तीसरे इंटरवल की बात करें क्या हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है। ऐसे आरवें इंटरवल की बात करें क्या हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन हो जाएगा, और लास्ट वाले की बात करें कितना मिलेगा बी माइनस एक्स एन माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना लिखा, अब मैं आता हूँ, मैंने जो सबमिशन लिखा है वहां पर आता हूँ, ठीक है। मैंने सबमिशन लिखा पहला इंटरवल की लंबाई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा है, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसको, क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे क्या एक्स वन माइनस ए प्लस डेल टू, दूसरे अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस डेल थ्री, डेल थ्री क्या हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ऐसे करते करते लास्ट पे आते हैं डेल एन, लास्ट वाला क्या था बी, बी से जस्ट पहले क्या आ जाएगा एक्स एन माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये एक्स वन कट गया, ये एक्स टू कट गया, एक्स थ्री एक्स से कट जाएगा, ये एक्स एन माइनस वन इसके पहले आएगा उससे कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा के बी माइनस ए बचेगा, ये आपने क्या निकाला है भैया, यू एफ पी निकाला है, ठीक है। अच्छा यूएफपी निकालने वाला आपने क्या कहा था, इसके बाद हमको निकालना होता है कि अपर रिमांड इंटीगल निकालना होता है ना, तो हम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपरी रिमांड समाकलन है ना, यूएफपी मैं सीधा लिख रहा हूँ अपर रिमांड इंटीग्रल, अपर रिमांड इंटीग्रल निकालते हैं, और इसका सिंबल बताया था मैंने सिग्मा, ये लगाना है
ए से बी बार और ये एफ एक्स डी एक्स, ये बताया था कल लास्ट की क्लास में मैंने बात की थी ना। अच्छा इसको और कैसे लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं क्या कि यू एफ पी आपने लिखा है और उसका क्या लिख देना है आपको, इनफिमम करना है, यू एफ पी को बहुत कम करना है ना, इनफिमम कहूँ चाहे सुप्रीमम को निकालना आपको लिमिट ही है। ठीक है तो कुल मिला के आपको कह रहा है कि एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट यू एफ पी, यू एफ पी की वैल्यू कितनी है ये के बी माइनस ए, के बी माइनस ए यही। अच्छा लिमिट का लगानी है एन पे, लगानी है एन तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा के बी माइनस ए, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, आप इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। ठीक है ना, ये अपर रिमान इंटीग्रल आ गया आपका। ठीक है अब जैसे आपने अपर रिमान इंटीग्रल निकाला है, आपको निकालना क्या है लोअर रिमान इंटीग्रल, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो अपन क्या कहेंगे एफ एक्स बराबर मैक्स आपका क्या है रिमान इंटीग्रल हो जाएगा, इतना ही काम होता है। ठीक है तो अपन अब निकालते हैं एल एफ पी, निकालते हैं एल एफ पी। ठीक है अब बात करेंगे अपन किसकी, एल एफ पी। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा स्मॉल एम आर डेल आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। अभी हमने देखा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर दोनों की वैल्यू क्या है के है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा डेल आर, सिग्मा लगाओगे आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, पुरानी वाली कहानी फिर रिपीट हो रही है, सेम टू सेम डिट्टो है कुछ है ही नहीं। ठीक है तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ के बी माइनस ए, वापस से यही मिलेगा आपको, ये एल एफ पी की वैल्यू आपको यही मिल गई। अब जब एल एफ पी आपके पास यही मिलता है तो आप क्या करते हो आगे, एल एफ पी आपको यही मिलता है उसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद अपन करते क्या है इसका निकालते हैं बोलो लोअर रिमान इंटीग्रल निकालेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा हमको निकालना है लोअर रिमान इंटीग्रल, लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ए बार, बार नीचे आएगा ए बार से बी और एफ एक्स डी एक्स, तो वही कहानी आपने निकाला क्या है एल एफ पी निकाला है। एल एफ पी का क्या करना है आपको, सुप्रीमम मैंने अभी कहा सुप्रीमम हो चाहे इनफिमम हो आपको लिखना क्या है लिमिट लिखनी है। ठीक है तो ये तो पूरा प्रोसीजर रिपीट हो गया एज इट इज, और इसमें कुछ नया हुआ ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा ये अपने को मिलेगा एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है और क्या आ जाएगा के बी माइनस ए, ठीक है तो के बी माइनस ए हो गया, वो के इसमें एन है ही नहीं तो लिमिट ये का ही हो जाएगा के बी माइनस ए, ये क्या हो गया ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स एज इट इज आ गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर वन क्या कह रही है यू एफ अपर रिमान इंटीग्रल कह रही है, और इक्वेशन नंबर टू क्या कह रही है लोअर रिमान इंटीग्रल कह रही है, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है के बी माइनस ए दोनों ही आ रही है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बाय इक्वेशन वन एंड टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू पहली और दूसरी इक्वेशन से आप क्या कहोगे कि जो एफ आपको दिया था कौन सा एफ एक्स बराबर में के वो क्या है के बिलोंग्स टू आर ए टू बी। ठीक है रिमान इंटीग्रल हो गया क्लियर, एफ जो है रिमान समाकलन हो जाएगा इसका ए से बी में। ठीक है अच्छा इसका एक क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है वो साइन एक्स और कोस एक्स वाला ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट होता है आता भी है, तो उसको मैं एक थ्योरम के बाद करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है इसको याद तो अपन कल शुरू से स्टार्ट करेंगे है ना, तो उसको अपन बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो मैं एक थ्योरम करवाता हूँ बड़े आगे। ठीक है थ्योरम है थ्योरम 1.2 जो आप ही की बुक की है, ठीक एक सेकेंड है ना,
हाँ अब अपन आगे देखते हैं, थ्योरम करते हैं ना, थ्योरम क्या है अपनी वो देखते हैं। थ्योरम 1.2 काफी अच्छे थ्योरम है और ये रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा आपको, थ्योरम 1.2। ठीक है, थ्योरम 1.2 में क्या कह रहा है कि आपको एक क्लोज इंटरवल दे देगा। देखो आपका जो फंक्शन है एफ, मैं थ्योरम लिख नहीं रहा हूँ, बस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले बात तो, ठीक है ना। पूरी थ्योरी लिख के क्या करना है आपको, बस समझ में आती है थ्योरम क्या कहना चाहती है, क्या पूछ रही है। एक आपका फंक्शन एफ है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, ए से बी क्लोज इंटरवल है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब ए से बी में डिफाइन है, इसके दो पार्टीशन किए। ठीक है, इसके जो विभाजन है वो कितने किए, पार्टीशन इसके हमने किए दो, और वो कौन सा कह रहा है, एक तो पी कह रहा है और एक कह रहा है पी डैश, ये कह रहा है। और इसे लिखा हुआ है कि सच डेट पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी। ठीक है, पी डैश जो है वो रिफाइनमेंट है किसका, पी का। हिंदी में कहूँ तो पी डैश जो है पी का शोधन है, सूक्ष्मकरण है। मतलब इसने ये दिया हुआ है, इसका मतलब उसने मुझे ये दिया है कि जो पी है वो सबसेट है किसका, पी डैश का। मतलब दो अलग अलग पार्टीशन है पी और पी डैश, तो पी डैश के पार्टीशन थोड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो पी डैश में एलिमेंट ज्यादा आएंगे और पी में एलिमेंट कम आएंगे पार्टीशन के अंदर। ठीक है, ये है। और क्या कह रहा है ये, ठीक है। तब आपको तीन चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आप प्रूव करेंगे, पहली चीज एल एफ पी लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, यू एफ पी ग्रेटर इक्वल टू यू एफ पी, ध्यान रखना यहाँ पर डैश इधर आएगा। तीसरा रिजल्ट है इसका दोनों को मिला करके, एल एफ पी लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस इक्वल टू यू एफ पी लेस इक्वल टू यू एफ पी डैश। ये तीन क्वेश्चन है इस थ्योरम के अंदर, तो मैं पहला कराऊंगा, दूसरा आप इजीली कर लोगे, तीसरा दोनों को मिला करके बात कर रहा है। देख लो आप, तीसरा दोनों को मिला करके बात कर रहा है ना। तो ये तो मैंने रिजल्ट लिख दी, ये प्रूफ करने अपन को, और इसको याद भी रखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। पहला है एल एफ पी लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश। तो पहले मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये पी और पी डैश क्या है। ठीक है, तो मैं दो लाइनें खींच रहा हूँ आपके लिए। पहली लाइन और मैंने खींची, शिट ये थोड़ा सा गड़बड़ खींच दिया है, दोबारा खींचेंगे इसको। ये दूसरी लाइन, ठीक है। देखो लाइनें अपने पास दो ही है, मेरे पास यहाँ पर कहीं पर ए है और यहाँ पर कहीं पर बी है, और वही कहानी यहाँ पर भी नीचे भी होगी, यहाँ पर कहीं पर ए है और यहाँ पर कहीं पर बी है। ठीक है, अब क्या होगा, वही कहानी आपको इसके पार्टीशन करने हैं, तो आपको दो पार्टीशन करने हैं। मैं पहला पार्टीशन लिख रहा हूँ पी और दूसरा क्या लिख रहा हूँ पी डैश। तो मैंने यहाँ लिखा पी लिखा और दूसरा मैंने क्या लिखा पी डैश। ठीक है, अब देखो पार्टीशन करने हैं तो आपने इसके एंड टुकड़े कर दिए किसके, देखो ये आपका पहला एक्स नोड होता है सबको पता है ना। फिर आप क्या लिखोगे, एक्स वन लिखोगे, फिर आप लिखोगे एक्स टू लिखोगे, फिर एक्स थ्री लिखोगे, और कहीं पर वो जो अपना आरवा अंतराल जो होता है एक्स आर माइनस वन होगा, और फिर यहाँ पर कहीं पर क्या होगा एक्स आर होगा, और फिर ये आगे चलता चलेगा। ठीक है ना, और इसको अपन एक्स एन कह देंगे, इसको अपन क्या कहेंगे एक्स नोड कह देंगे। क्लियर, तो आपके जो पार्टीशन है कौन सा, पहला जो पार्टीशन है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आया, उसके अंदर ए आया, एक्स वन आया, एक्स टू आया, एक्स थ्री आया, अप टू करते करते कहाँ तक आया एक्स आर माइनस वन आया, उसके बाद एक्स आर आया, और ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएंगे एक्स एन तक आ जाएंगे। क्लियर, अब क्या होगा, जो आपने जो नया पार्टीशन किया है ना, देखो सबसेट कब होता है, कोई भी सेट तो कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो तभी तो सबसेट बना पाएंगे ना अपन यहाँ पर। तो देखो वो कहानी जो अपन पहले लिख लिया वो तो मैंने लिख दिया, एक्स वन यहाँ पर आएगा, एक्स टू आएगा, एक्स थ्री आएगा। देखो मैंने क्या कहा था, जो भी काम अपन करेंगे अपना जो आरवा इंटरवल है वो अपने लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा तो मैंने वो का वो ही पार्टीशन लिख दिया है, कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब मुझे पी डैश को, मुझे बताया ना ये रिफाइनमेंट की वाली डेफिनेशन आपने पहले दिन ही पढ़ी थी, ठीक है, उसमें ये कहा है कि रिफाइनमेंट होता है तो पी सबसेट पी डैश होता है। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है,
पी डैश में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो मान लो वो एलिमेंट यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है, अल्फा। समझ में आ गई बात? तो यहां से क्लियर हो गया ना, पी सबसेट पी डैश हो गया। तो अपने पास जो पी डैश मिलेगा आपको, पी डैश मिलेगा, उसमें क्या क्या मिलेगा? पी डैश में आपका मिलेगा एक्स वन मिलेगा, एक्स टू मिलेगा, एक्स थ्री मिलेगा, अप टू एक्स आर माइनस वन, एल्फा एक्स आर, और अब तो क्या हो जाएगा, एक्स एन तक चले जाएंगे। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? देखो ये छोटी सी चीज जो समझ में नहीं आती हर किसी को, तो ये अपना क्लियर हो गया। तो दो पार्शन अपन ने किए, दोनों में आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैं आपको अलग से डार्क करके दिखाता हूँ कि भैया हमारे पास जो एल्फा है वो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया एल्फा। अब एक्स्ट्रा है तो है, अब क्या करें? अब क्या करना है अपन को, दोनों पार्टीशन उठाने हैं। कौन कौन से उठाने हैं? देखो आपका आरवा अंतराल काम करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आरवा अंतराल। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, देखो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक लिखी है ना। देखो इनकी लेंथ में कोई फर्क आएगा क्या? लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, लेंथ दोनों की सेम है, बस बीच में एक टुकड़ा मैंने ज्यादा लगा दिया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टेबल बना के सिखाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए टेबल बनाता हूँ कि आपके पास इंटरवेल कौन सा है। इंटरवेल आप बात करोगे किसकी? आप एक तो बात करोगे किसकी, आप करोगे एक्स आर माइनस वन से लेकर के एक्स आर की, आप बात करेंगे। आप बात करो किसकी, एक्स आर माइनस वन से एल्फा की। आप बात करो किसकी, एल्फा से लेकर के एक्स आर तक की बात करोगे। ठीक है, ये आपके पास इंटरवल होगा। ये मतलब अपन कुछ नोटेशन है वो लिखेंगे, याद रह जाएंगे आपको। थोड़ी सी टेबल ऐसी वैसी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनफिमम लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सुप्रीमम। मान रहे हैं ना, माना। देखो अंतराल आपको नहीं समझ में आया, फिर देखो मैंने एक तो लिया ऊपर वाला, पी वाला लिया है ना, पी वाला मैंने लिया यहाँ से एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक लिया। ठीक है, पहला अंतराल हो गया। दूसरा मैंने कौन सा लिया, एक्स आर माइनस वन से एल्फा, और एल्फा से लेके क्या ले लिया मैंने, एक्स आर ले लिया। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसका मान लेते हैं कि इन्फिमम जो है वो स्मॉल एम आर है, सुप्रीम अपन ने क्या मान लिया, कैपिटल एम आर ले लिया। इसका जो इन्फिमम है आप उसको ले लीजिए एम आर डैश ले लीजिए, और इसी अंतराल का सुप्रीम आप क्या ले लोगे, कैपिटल एम आर डैश ले लोगे। ये जो नया अंतराल है उसका इन्फिमम क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आर डबल डैश ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कैपिटल एम एम आर डबल डैश। क्लियर है? अब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इंक में बदल लेता हूँ। देखो इस जो ये वाला अंतराल आपने लिया है ना, उसके अंदर इन्फिमम क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आर हो जाएगा, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक की बात करता हूँ मैं, यहां से लेकर के यहां तक की बात करता हूँ। तो इसके लिए एम आर डैश लिखा है और कैपिटल एम आर डैश लिखा है। ठीक है, और मैं अगर यहां तक की बात करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक की जो फंक्शन का इन्फिमम सुप्रीमम की जो बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आर डबल डैश हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आर डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा जो एम आर है और एम आर डैश में एम आर डैश बड़ा होगा या बराबर हो सकता है इस स्मॉल एम आर, और ये एम आर डबल डैश में आपको समझ में आ रहा होगा जो इधर आ रहा है वो नंबर बड़ा होता है। तो आपको पता होगा नंबर लाइन के अंदर जो नंबर राइट हैंड साइड में होता है वो बड़ा होता है ना। तो आप यहाँ से इस ग्राफ को देख करके समझ सकते हो, ट्राई करना अगर आपको समझ में आता हो। ठीक है, नहीं तो पूछना कि सर ये आपने कैसे लिखा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एम आर लेस इक्वल टू एम आर डैश एंड एम आर लेस इक्वल टू एम, ये हम पहला रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं एलएफपी वाला, इसलिए अपन स्मॉल एम आर काम में लेंगे। ठीक है, अगर अपन यूएफपी वाला प्रूव करते तो अपन कैपिटल एम आर काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझनी चाहिए। अच्छा, अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, आपको रिजल्ट याद रहेगा दिमाग के अंदर कि सर हमने ये सीखा था। क्या सीखा था? एक तो आपका पार्टीशन पी चल रहा है और एक पार्टीशन चल रहा है पी डैश चल रहा है। ठीक है, पार्टीशन पी के अंदर स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है, और पार्टीशन पी डैश के अंदर कौन है,
एम आर डैश और एम आर डबल डैश दोनों, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं एम आर डेल आर लिखा, क्लियर है, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या एम आर डैश डेल आर, ठीक है, और प्लस लिख दिया मैंने एम डबल डैश डेल आर। अच्छा ये समझ में आया। अच्छा ये नंबर बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा। अच्छा एक लाइन बात को पहले लिख दिया मैंने, एक लाइन इसको मिटा देते हैं उसके बाद देखते हैं, है ना। एक लाइन पहले थोड़ी सी और लिख दे, हमने लिखा है यहाँ पर एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, पता है ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने देख रखा है ना पहले रिजल्ट, देखो एम आर छोटा है, एम आर डैश से भी छोटा है, एम आर डबल डैश से भी छोटा है, जब दोनों से छोटा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा ना एम आर, तो एक तो रिजल्ट आपको समझ में आएगा ये वाली कहानी। अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा मैं तीनों और डेल आर लगा सकता हूँ, मैंने लगाया स्मॉल एम आर डेल आर, एम डैश आर डेल आर, एम डबल डैश आर डेल आर, तीनों और मैंने एक ही काम किया। अच्छा डेल आर का मतलब क्या हो जाएगा, उस अंतराल की लंबाई, ठीक है, जिसका ये इन्फिमम या सुप्रीम है उसी अंतराल की लंबाई आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो स्मॉल एम आर, देखो ये जो एम आर है वो कहाँ से आया है, ये एम आर आया है ये पहले पहले वाली टेबल में, देखो है ना, स्मॉल एम आर से कैपिटल एम आर तक आया, तो ये अंतराल है वो क्या है, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक है इंटरवेल, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स आर माइनस वन हो जाएगी, लेस इक्वल टू एल ये आ जाएगा। अब आपने देखा कि सब एम डैश आर कौन से इंटरवल से आया है, तो ये आया है एक्स आर माइनस वन से एल्फा तक के लिए है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन हो जाएगी, सेम कहानी स्मॉल एम डबल डैश आर और डेल आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही है ना, कैपिटल एम आर कहाँ से आया था, तो वो आपके पास आया था एक्स आर माइनस एल्फा, ये उसकी अंतराल की लंबाई होगी। अच्छा मैं तीन और सिग्मा लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। अब देखो ये जो एम आर है वो इन्फिमम है, ये डेल आर की लेंथ होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अगर मैंने सब जगह सिग्मा लगाया, कर्सर कहाँ चला गया, हाँ मैंने सभी जगह सिग्मा लगाया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, एम आर डेल आर, ठीक है, पता है ना किसका ही है, छोटा है, छोटा एम है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एल एफ पी के लिए हो जाएगा, लेस इक्वल। तो अब समझना ये एम डैश आर और एम डबल डैश आर किस में था, पी डैश में था, पाचन पी डैश में था। अब लेंथ की अंतराल की जो लंबाई देखोगे ना, लेंथ ऑफ द इंटरवल देखो आप समझो, मैंने इंटरवल तो वही लिया था, इंटरवल में थोड़ी चेंज किया था, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर ही था और उसके बीच में कहीं पर अल्फा डाला था, लेकिन जोड़ोगे तो जोड़ने पर तो उतनी लेंथ मिलेगी ना, लेंथ तो वही मिलने वाली। भाई देखो मेरे को देखो इधर, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक यही लेंथ पार्शियल पी डैश के लिए भी रखी है, बस बीच में अल्फा आ गया था, लेंथ तो सेम ही रहने वाली, लेंथ तो भी चेंज थोड़ी होगी, तो लेंथ तो सेम रहेगी, है ना, तो लेंथ सेम रहेगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने लिखा है, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लेंथ है, कहाँ गया ये, और ये जब आप इसको जोड़ोगे तो वही आपके पास पुरानी लेंथ आ जाएगी ना, और स्मॉल एम डैश आर और कैपिटल एम डबल, ये स्मॉल एम डबल डैश आर क्या है, एल एफ पी डैश के लिए जाएगा ना, तो ये पार्शियल किसका हो जाएगा, एल एफ पी डैश के लिए। तो ये आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हुआ, बात समझ में आई। अब इसमें कोई दिक्कत देगा किसी को, एक बार घर जाके और ट्राई करें तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला इस तरह की पहली थ्योरम में इससे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन जैसे अपन हैबिचुअल हो जाएंगे इसको लेकर के ये आराम से समझ में आएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट यूएफपी में रहेगा, ठीक है ना, यूएफपी में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर या वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी पहली थ्योरम है, इसका थर्ड, इसका बी पार्ट भी मैं करवाऊंगा कल करवाऊंगा, सी पार्ट भी इसका मैं करवाऊंगा कल करवाऊंगा, ठीक है।
अभी तक आपके लिए क्या करना है, बस इसको जो आज लिखा है ना उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे और अपना टाइम भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे अपन अभी 30 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर अपन 1 घंटा अपन ले आएंगे, ठीक है, इसको टाइमिंग पे, है ना। तो अभी कोई दिक्कत, मारिया कल क्लास में थे नहीं आप?